हेलो गाइस, सो गाइस आज मम्मी बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही इजी केक बनाने वाली है, जो कि है रेड वेलवेट, हमारा सबका फेवरेट। वो दिखता भी बहुत सुंदर है एंड बहुत इजी, विदाउट एग्स एंड विदाउट ओवन ये बन जाता है। प्लीज प्लीज चेकआउट कर लेना पूरा वीडियो एंड बहुत मजा आएगा। ओके गाइस, चलिए चलते हैं मम्मी के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड वेलवेट केक, एकदम इजी तरीका से। घर पे जो चीज है हाथ के सामने उसी से, बेसिक रेड वेलवेट केक भी बोल सकते हो आप। तो इसके लिए मैं ले लूंगी हाफ कप शुगर पाउडर, हाफ कप दही, 4 चम्मच मेल्टेड बटर, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, 5-6 बूंद वनीला। मिक्स करूंगी पहले अच्छे से। तो मिक्स कर लिया एकदम अच्छे से। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे हम। तो एक छन्नी में मैं ले लूंगी 1 कप मैदा, 1 चम्मच कोका पाउडर, ये फ्लेवर के लिए, आपके पास नहीं हो तो आप ये नहीं भी यूज कर सकते हो, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। मिक्स करेंगे इन सबको अच्छे से। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स कर दिया, तो बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अब मैं मिलाऊंगी इसमें मिल्क और मिक्स करूंगी। तो मिक्स कर दिया, अब मैं इसमें मिक्स करूंगी कलर, रेड कलर। तो ये केक बनाने की ही कलर है। ये 5-6 बूंद कलर मैंने मिक्स किया, ये जेल बेस कलर है, केक में ही यूज होता है ये कलर। तो मिक्स कर दिया मैंने अच्छे से और एकदम परफेक्ट थिकनेस है बैटर की। तो एकदम इजी और झटपट बन जाएगा। आपके पास केक टिन हो ना हो, प्रेशर कुकर के ढक्कन के रबर और उसका जो सीटी है वो हटा देंगे हम। प्रेशर कुकर में ऑयल ब्रश कर दूंगी अच्छे से, ताकि केक चिपक ना जाए। तो ऑयल से ब्रश कर दिया चारों तरफ। अभी थोड़ा ड्राई मैदे से डस्टिंग कर दूंगी, कोट कर दूंगी, ताकि केक जब हम निकाले एकदम इजीली निकल जाए। तो कोट कर दिया मैदे से और एक्स्ट्रा जो मैदा था वो हमने निकाल दिया। अब मैं इसमें बैटर को सेट कर दूंगी। बैटर डालने के बाद टैप करूंगी, अंदर कोई बबल्स हो, एयर बबल्स, तो निकल जाएगा। और अभी मैं फुल फ्लेम पे तावा गरम कर रही हूँ। ये पैन मैंने गरम कर लिया आज, ये खराब जो यूज नहीं होगा ऐसा। मेरा होममेड ओवन है, मैं इसी में करती हूँ। और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और 5 मिनट पहले मैं फुल फ्लेम पे रखूंगी, उसके बाद मैं एकदम लो फ्लेम कर दूंगी। और 25 से 30 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो 35 से 40 मिनट हो चुका है, बीच में मैंने चेक किया था, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। स्टिक डाल के मैं चेक करूंगी, परफेक्ट बन गया है। तो अब मैं गैस बंद करूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। तो अभी ठंडा होने के बाद मैं केक को अभी प्रेशर कुकर से निकाल लूंगी। एक प्लेट लेके उसमें मैं धीरे से पलट दूंगी और केक आराम से निकल आ जाएगा। तो एकदम आराम से निकल आया प्रेशर कुकर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना चिपक गया है। तो अभी मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से डेकोरेट करूंगी। तो मैं छन्नी में शुगर पाउडर ले लिया, जो घर पे आप रेगुलर चीनी यूज करते उसको मिक्सर ग्राइंड में लेके आप पाउडर बना लेना, शुगर पाउडर इजीली बन जाता है।
शुगर पाउडर से मैं कोट कर रही हूँ। तो ये हो गया, अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर कैसा बना। तो ये अंदर एकदम अच्छे से पक चुका है और एकदम स्पॉन्जी केक बना है मेरा, तो एकदम सॉफ्ट है। तो एकदम सिंपल और इजी तरीके से बन गया ना, बहुत बढ़िया रेड वेलवेट केक। तो आप लोग ऐसे ही बनाओ सिंपल और इजी तरीके से, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आज का मेरा ये रेसिपी और वीडियो। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।